भारत के बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद है जहां जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि इस आइलैंड पर जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं लौटता। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड इंडियन ओशन में 60 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ एक छोटा सा टापू है। यह आइलैंड पूरी तरह से बाहरी दुनिया के लिए बंद है। इस आइलैंड पर जाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि इस आइलैंड पर वैज्ञानिक भी रिसर्च नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर 300 से 400 इंसान रहते हैं, और ये इंसान हम इंसानों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अगर कोई भी इंसान धोखे से भी इनके आइलैंड के करीब पहुँच जाता है तो ये लोग तीर और भालों का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये आइलैंड पूरी तरह से पेड़ों से घिरा हुआ है और इसीलिए ये इतना घना है कि हम लोग ड्रोन या अन्य टेक्निकल सामानों को इनके बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं भेज सकते। इस आइलैंड में ये जनजाति ठंड और गर्मी में कैसे सरवाइव करती है, ये लोग कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज तक हमें ये नहीं पता कि ये लोग आग जलाना जानते हैं या नहीं, क्योंकि दूर से और आसमान से ऑब्जर्व करने पर इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि इन्होंने कभी आग जलाई हो। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने दुनिया के अंदर एक नई दुनिया बनाए रखी है जहां ये हजारों वर्षों से विकसित होते आ रहे हैं। सदियों से माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली ये जनजाति ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो हमारे पूर्वजों से किसी दौर में बिछड़ गई थी। एक थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 30,000 साल पहले समुद्रों का सी लेवल बहुत कम हुआ करता था, तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का सी लेवल बढ़ता गया और तभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एशियन कॉन्टिनेंट से अलग हो गया और इस पर रहने वाले निवासी यहीं पर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। इसीलिए ये बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन्हें ये भी नहीं पता कि टीवी या फिर मोबाइल क्या होते हैं, इंटरनेट क्या है, आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन्स या फिर समुद्र में चलने वाली शिप क्या है। लेकिन एक बात तो सच है, जब भी इनके पास से कोई शिप गुजरती होगी या फिर इनके ऊपर से कोई प्लेन गुजरता होगा तो वो इन्हें अजीब तो ज़रूर लगता होगा। वैज्ञानिकों ने कई बार इस जनजाति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वे हमेशा ही असफल रहे हैं। वैसे तो ये आइलैंड भारत गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन इस प्रजाति से गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट इनके साथ कोई भी संबंध इसलिए नहीं बनाना चाहती, उन्हें डर है कि हजारों सालों से अकेले रह रही इस सभ्यता में कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस ना हो जो इनके संपर्क में आने वाले लोगों से पूरी दुनिया में फैल जाए। लेकिन साल 1880 ईस्वी में ब्रिटेन के ऑफिसर मॉरिस बिडाल पोर्टमैन ने 6 सेंटिनल निवासियों को किडनैप कर लिया, उनको कुछ समय तक अपने पास रखा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार सेंटिनल निवासियों का बाहरी दुनिया से कॉन्टेंट हुआ। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थीं, इसीलिए कुछ समय के बाद ये 6 के 6 लोग बहुत बीमार हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बचे हुए 4 लोगों को उस ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वापस छोड़ दिया। इसके बाद कोई नहीं जानता कि इस जनजाति ने उस बीमारी से कैसे निजात पाई और उस बीमारी ने इस टापू पर और कितने लोगों को बीमार किया और कितने मारे गए। इसके बाद इस जनजाति का गुस्सा बाहरी दुनिया के लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब भी कोई बाहरी इंसान इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता तब ये लोग तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार देते। इसके बाद भारत सरकार ने इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी इंसान इस आइलैंड पर ना पहुंचे। यहां तक कि उन्होंने एक नियम जारी किया कि समुद्र में निकलने वाले सारे जहाज इस आइलैंड से 10 किलोमीटर दूर से ही निकलेंगे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे उनकी आंखों के सामने सेंट्रल निवासियों ने उन दोनों मछुआरों पर तीर चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अगले 12 साल तक किसी ने भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका के जॉन एलन ने गैरकानूनी रूप से इस आइलैंड पर जाने का प्लान बनाया। उसने 2 मछुआरों को $30,000 देकर इस आइलैंड पर जाने के लिए राजी कर लिया। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जॉन एलन ने इस जनजाति से मिलने की कोशिश की और हमेशा की तरह इस बार भी इस जनजाति ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें जॉन एलन की मौत हो गई। जैसे तैसे करके वो दोनों मछुआरे जान बचाकर निकल तो आए, लेकिन बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जॉन एलन की तरह यहाँ अक्सर लोग जाते रहते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, और इसीलिए ये आइलैंड बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।